7000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। फोर टावर्स 22 फ्लोर ईच विद एक्सेल साइज बैल्कनीज 1-2-3 BHK कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 33 लाख ऑनवर्ड्स। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है, हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने किया चौथे आरोपी को गिरफ्तार, दो आरोपी अभी भी फरार। YouTube से सीखे, YouTube से शूटरों ने सीखा पिस्टल कैसे चलाते हैं। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 12 अक्टूबर शनिवार को बांद्रा में हुई एनसीपी अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो 2 अभी भी फरार है। अब पुलिस ने इसी हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार किया है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से। हरीश कुमार बालकरण, उम्र 23 वर्ष, ऐसी इसकी पहचान है। इसकी कोई तस्वीर या इसकी कोई अभी तक वीडियो वगैरह सामने नहीं आ पाई है। पहले 3 शूटर गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप, शिवा और शिव कुमार गौतम, जिसमें से शिव कुमार गौतम फरार है। अब इन सबको ये सुपारी देने का काम, इन तक हथियार पहुंचाना, इन्हें कुरला में रहने के लिए रूम का इंतजाम करना, फिर रेकी का इंतजाम करना, ये सब काम शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर, इन दोनों भाइयों ने किया था। शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। वहीं ये चौथा आरोपी जो अब पकड़ा गया है, हरीश कुमार बालकरण, तो इसका क्या संबंध है? आपको बता दें कि हरीश कुमार बालकरण रहने वाला बहराइच उत्तर प्रदेश का है मूल रूप से, लेकिन पुणे में वो एक भंगार की दुकान चलाता था। और शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम तथा धर्मराज कश्यप दोनों उसकी भंगार की दुकान पर ही काम करते थे, और ये दुकान लोनकर ब्रदर्स की दूध डेयरी के बिल्कुल करीब में ही थी। लोनकर ब्रदर्स शुभू उर्फ शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर और इन तीनों शूटरों के बीच में फरार शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम, गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप, इनके बीच की हरीश कुमार बालकरण जो है वो कड़ी था, वो इनके मैसेजेस उन तक पहुंचाता था। साथ ही में ये लोग एक दूसरे से संपर्क करने में स्नैपचैटिंग और इंस्टाग्राम कॉलिंग का सहारा लेते थे। अब तक पुलिस जांच पड़ताल में इन सब बातों का खुलासा हुआ है। वहीं सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इन तीनों शूटरों ने पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है वो यूट्यूब से सीखा है। कुरला के ही किराए के लिए वे बंद मकान में, मकान बंद करके वो बगैर मैगजीन के पिस्टल अनलॉक कैसे की जाती है, लॉक कैसे की जाती है, लोड अनलोड कैसे की जाती है, ये सब कुछ सीख रहे थे। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है शिवा और शिव कुमार गौतम ने। शिवा और शिव कुमार गौतम जो है उसे इन लोगों को ट्रेन करने के लिए ही खास करके इसमें शामिल किया गया था, और फिर एक शूटर के तौर पर भी वो इस हत्याकांड में उतरा था। अब हरीश कुमार बालकरण की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों का आंकड़ा 4 हो गया है, फरार 2 आरोपी अभी भी है। कैसे इन तीनों में से जो पहले शूट आउट हुआ था उसके बाद जो एक आरोपी को पकड़ा गया था उसका एक वीडियो भी सामने आया, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हरीश कुमार बालकरण को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे भी 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश एस्प्लानेट कोर्ट ने दिया। और देखो कौन है? सेपल वही है। बैग कुठे? बैग तिच्याकडे आहे।